हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्वेश्चन टाइम में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। आपको बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो कार्यक्रम हमने 27 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया था, पीएचडी केमिस्ट्री और जीएसए लेक्चर की फील्ड फ्री मॉड्यूल लेक्चर सीरीज, उसमें हमने दो पड़ाव पूरा कर लिया है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस और फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बेटा हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया है। सारे के सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा पर अपलोडेड हैं। साथ ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी चैप्टर वाइज उनका सॉल्यूशन और क्वेश्चंस मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अब हम नया जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, 26 अप्रैल 2021 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फिजिकल कम्प्लीट कर दिया बेटा हमने, इनऑर्गेनिक का पूरा सिलेबस हम कम्प्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि आपको पता बेटा इस समय कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चों ने पढ़ाई करना लगभग कम कर दिया है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए, जैसे ही कोरोना की संख्या कम होगी, कोविड थोड़ा डाउन होगा, वो घटने लगेगा उसका प्रभाव, तो उसके बाद आपका एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है बेटा। इसलिए अपनी पढ़ाई ब्रेक मत करिए, आप जिस स्पीड से पढ़ रहे थे पहले उसी स्पीड से तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है। जैसे ही कोविड का थोड़ा प्रभाव कम होगा तो एग्जाम की डेट आ जाएगी। और आपके पास तीनों एग्जाम है, जीएसई लेक्चर का, पीएचडी केमिस्ट्री का, पीएचडी साइंस का और असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी का, उनमें डेट कभी आ सकती है, होता है गैप बहुत कम मिले। तो पढ़ाई आप जारी रखें, चैप्टर्स को पढ़ते रहें, नोट्स को तैयार करते रहें, रिवीजन जारी रखें रेगुलर, क्योंकि एग्जाम की डेट कभी भी आएगी तो आपके पास समय अलग से नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब आपके पास और समय बाहर निकलने के लिए टोटली रिस्ट्रिक्शन है, बाहर निकलना नहीं, आपको घर में चुपचाप अपना तैयारी करिए और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करिए। बार बार रिविजन करिए, लेक्चर देखिए, नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर करिए। जितना बड़ा आप रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको नई चीज सीखने को मिलेगी और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल ढिलाई ना करें, रिवीजन जारी रखें और हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रही है उससे जुड़े रहें और अपना धीरे धीरे करके अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करते जाए। तो हमें स्टार्ट करना है, ये हमने इनऑर्गेनिक कम्प्लीट कर दिया, फिजिकल कम्प्लीट, यानी दो, ये दो पोर्शन आपके कम्प्लीट हो गए हैं। थर्ड पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 26/4/2021 से, यानी 26 अप्रैल से हमारा वीडियो अपलोड स्टार्ट हो जाएगा। 10:15 पर टाइमिंग है वीडियो अपलोड होने की, वो फिक्स है। 10:15 पर हमारा पहला वीडियो आता है और दूसरा वीडियो आता है शाम को 7 बजे। तो टाइम से हमने फिक्स रखा ताकि आपकी तैयारी में जो है आप टाइम सेट करें, हमें कब रिवीजन करना है, कब नया लेक्चर पढ़ना है, किस तरह तैयार करना है लेक्चर को, सब चीज का पैटर्न फिक्स है, तो आप उसी पैटर्न में तैयारी करें। तो जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के 5 वीडियो पहले से अपलोड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ लेंगे। उसको हम दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमें बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पायरो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया है, वो हम स्टार्ट करेंगे। यानी पहले हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो बाइसाइक्लो कंपाउंड और स्पायरेन का नॉमेनक्लेचर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेरेज, फिर इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, एसिडिक स्ट्रेंथ और जो जो इसके इफेक्ट हैं रिएक्टिविटी पर, और मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर, बेसिक स्ट्रेंथ पर, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, ये सब सारी बातें होंगी किसमें, वो सब डिस्कस करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हुए पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन्स की प्रॉपर्टीज, उसके बनाने की विधि, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब डिस्कस करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। उसके बाद स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी बेंजीन एरोमेटिक कैरेक्टर, उसका क्यों एरोमेटिक है, कौन सी रिएक्शन को देता है, एलिफेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है, क्यों देता है, ये सब सारी रिएक्टिविटी ऑर्डर वो सब डिस्कस करेंगे इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और फिर हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लेक्चर 4, मतलब जो हमारा चैप्टर 4 होगा वो होगा आपका हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन्स, ये हम डिस्कस करेंगे। जिस जो एनसीईआरटी में जिस पैटर्न में दिया है या सिलेबस में आपके जो पीजी और जीएसई सिलेबस में, उसी अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे करके सिलेबस खत्म करेंगे। और फिर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजाइल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, ये सारी नेम रिएक्शन जितनी भी है वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। अलग से भी आपको मैंने टाइम मिलेगा पढ़ा दूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नेम रिएक्शन साथ साथ पढ़ते चलेंगे, उसका एप्लीकेशन पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस पर हमारा ध्यान रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है किसी भी कंपटीशन का, और बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे और चीजों को सीखेंगे।
फिर बड़ा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, उसके बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, फिर आपका बायो मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिंस इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से भी एक से दो क्वेश्चन कम से कम हर साल आता ही आता है। देन पॉलीमर इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा चैप्टर है लेकिन एक क्वेश्चन से भी आता है कम से कम। तो इसके बाद केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, ये भी चैप्टर आपका दे रखा है सिलेबस में। तो यानी जितना आपका सिलेबस बचा है वो बचा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, वो हम लोग जो है 26 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मई 2021 को हमारा टारगेट था जो हमने आपको प्रॉमिस किया था। पहला वीडियो जो हमारा हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जो हमने बोला था 27 जनवरी से स्टार्ट की थी, तब हमने प्रॉमिस किया था 31 मई तक हम सिलेबस खत्म कर देंगे। तो हमने कमिटमेंट पर आज भी कायम है, 31 मई तक आपका सिलेबस पीजीटी केमिस्ट्री और जीएससी लेक्चर का कंप्लीट कर दूंगा मैं। आपको जो करना है वो आपके लिए ये टास्क है कि आप अपनी पढ़ाई में कोई ढिलाई ना करें। मैं बार बार कहता हूँ, हर वीडियो में ये बात मैं कहता हूँ, आपको थोड़ा बोरिंग भी लगता हो सर बार बार बात रिपीट कर रहे हैं बेटा, लेकिन इसलिए क्योंकि हम लोग भी जो स्टूडेंट लाइफ में रहे तो पढ़ने का मन क्या है कि इसे एक दिन पढ़ लिया जाएगा तो फिर दो दिन आदमी नहीं पढ़ता है। लेकिन आपको करना क्या, रेगुलर पढ़ना है चैप्टर्स, हम आगे सिलेबस पढ़ रहे हैं, पीछे का रिविजन का अपना एक टाइमटेबल सेट करिए। प्रतिदिन यदि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम एक चैप्टर रिवाइज भी करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करें। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन को एक बार लगा लिया तो उसकी प्रैक्टिस ना करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको करना क्या है, अभी अपना ये लास्ट मानिए कि भाई लास्ट चांस है, सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। और सिलेक्शन आपको लेना है तो अच्छे से बात समझ लीजिए कि पढ़ाई बहुत चपक के करनी होगी, एकदम तगड़ी वाली से कहते हैं। पढ़ाई में कोई भी आप ढिलाई करेंगे, जैसे आपने मास्क नहीं लगाया, हैंड वॉश करना नहीं किया तो कोरोना हो जाएगा, वैसे ही पढ़ाई में भी आप ढिलाई करेंगे तो सिलेक्शन से आप चूक जाएंगे। इसलिए पढ़ाई में कोई ढिलाई मत करिए, रेगुलर क्लास लीजिए, हमारे रेगुलर वीडियोज देखिए और साथ में आप अपना एक टाइमटेबल सेट करिए। पर डे आप कितना पढ़ रहे हैं इसके लिए भी देखिए कि आप एक दिन में कितना पढ़ रहे हैं, कितना ऐसा टाइम से हमसे मतलब नहीं होता है लेकिन आपने क्या सीखा। यदि जो आगे हमारे सीरीज में जो चल रहा है हमारा कोर्स उसको प्लस पिछला भी आपको रिवाइज करना है। एक हफ्ते का अपना शेड्यूल बनाइए कि हम, क्योंकि हमने शेड्यूल जारी कर दिया है कि हम किस तरह पढ़ाएंगे, कौन कौन चैप्टर किस क्रम में पढ़ाएंगे, हमने शेड्यूल जारी कर दिया है। आप उसी क्रम में अपना शेड्यूल देखिए कि हाँ सर आप ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, मुझे इनऑर्गेनिक का वो चैप्टर रिवाइज करना है, वो रिवाइज हो गया, उसके बाद डॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज हो गया, फिर हमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है, उसे क्वेश्चंस करने हैं। जो आपके पास बुक्स जितनी भी अवेलेबल हो, आपके पास बड़ा दो मेन पोर्शन खत्म कर दिया हमने, आपके पास जो भी बुक हो, आपके पास यदि पीसीएस के पुराने साल के पेपर्स हैं उसको सॉल्व करिए, नीट का सर आपके पास चैप्टर वाइज सॉल्यूशन उसको सॉल्व करिए, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, कॉन्सेप्ट को अपना बार बार रिवाइज करिए, तो आप देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और एग्जाम कभी भी हो, आपको यदि एक महीने पहले भी सूचना मिलती है कि एग्जाम होने वाला है तो भी आपको प्रेशर नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी, अरे मैं तो पढ़ाई नहीं, मैं तो मस्ती करता रहा, मैंने तो कोरोना चक्कर में पढ़ाई नहीं, क्योंकि वहाँ बेटा कहीं ये कॉलम नहीं होता कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए। एग्जाम में कहीं भी एक कॉलम नहीं होता कि अब तक आपने पढ़ाई क्यों नहीं की। क्वेश्चंस आएंगे, जिसने तैयारी कर रखी है, जिसका रिवीजन हो रखा है, जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है वो अच्छे क्वेश्चन करेगा, स्कोर करेगा, सिलेक्शन ले लेगा। यदि आपने तैयारी नहीं की और बीच में आप ढिलाई कर दिए तो फिर आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे और फिर बाद में बहुत पछतावा होता है कि काश मैं पढ़ लेता। ये सब आपके मुँह से ना निकले, काश मैं पढ़ लेता एग्जाम में बैठने पर। एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन ना हो, तैयारी आपकी पूरी रहे, बार बार आप रिवाइज किए रहे, ऐसी मेरी पूरी कोशिश है। हम अपना 100% दे रहे हैं, मतलब आपको अपना 100% नहीं, आपको 110% देना है, पूरा एकदम अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से रिवीजन करना है। इसी के साथ मैं वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। आपको बस यही करना है कि वीडियो में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जीएससी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, उन फ्रेंड्स को मेरा वीडियो लिंक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसको फायदा मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो आप पूरा कोशिश करिए कि ये हमारा लास्ट चांस है और अच्छे से तैयारी करके मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे हर कंपटीशन में सिलेक्शन लेना है, इस इच्छा से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। इसी साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूँ और थैंक यू।